Hello guys, Assalamualaikum. Hope you all are doing great. तो आज का अपना गेम प्ले है जो कि क्रेज़ी, जो आप लोगों को पता ही है कि हफ्ते में दो दफ़ा क्रेज़ जो तो आना ही आना है. तो चेक कर लो मैं क्या भेज रहा हूँ. मेरे पास है 5 रेल मार्चीज, ठीक है. मैंने अपना फर्स्ट रख दिया है इन्फेंट्री. उसके बाद मैंने, मेरे पास 436 के इन्फेंट्रीज थे तो मैंने उसको डिवाइड किया, मतलब मैंने उसको तकसीम किया 5 पे और मेरा जो रिज़ल्ट आया वो है 87,200. आप लोग परेशान ना होना कि मैं 87,200 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने इन्फेंट्रीज़ को डिवाइड किया है मैंने, और ताकि मैं अपनी 5 मार्चिज में इन्फेंट्रीज़ की तादाद यही रख सकूँ. साथ में हम ऐड करेंगे इसके लांसर्स. अब जितने इन्फेंट्रीज हमने भेज दिए हैं, बाकी जो मेरे पास स्पेस बची है मेरी मार्च की, हम उसमें ऐड कर देंगे लांसर्स के साथ. हीरोज़ देख लो मेरे. फर्स्ट हीरो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं इन्फेंट्री ही रखूं. तो लेट्स सी कि इन्फेंट्री हीरो और इन्फेंट्री का डिफेंस कैसा होता है, क्योंकि क्रेज़ी जो इज़ ऑल अबाउट द डिफेंस एंड यू विल गेट अ लॉट मोर देन पॉइंट्स इफ़ यू सेंड एग्जैक्ट फॉर्मेशंस. तो ये थोड़ा सा मैं पैनिक करके मैं भेज गया. गाइस एक चीज़ मेरी नोट कर लो आप, कि उस बंदे को आप लोगों ने रीइन्फोर्स करना है जो आपको नज़र आए कि वो ऑनलाइन है. ऑफलाइन को भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्च 7, 14 और 17 ये जाएगा सिर्फ ऑनलाइन जो होंगे बंदे उन्हीं पे, और ये स्ट्रॉन्ग बॉसेस होते हैं जो कि अटैक करते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं. तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि 7, 14 और 17 ये वाले जब आई मार्चिज, तो आप लोगों ने अगर ऑफलाइन को भेजा हुआ है तो अपने जो रीइन्फोर्समेंट है उसको पुल कर लेना है और उसको भेज देनी है जो ऑनलाइन है. और गाइस कोशिश करना है कि एक बंदे को 5 से ज़्यादा रीइन्फोर्समेंट ना जाए, क्योंकि उससे पॉइंट्स डिवाइड हो जाएंगे और आप लोगों को ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे देखने को. तो शुरू करते हैं अपना. यार आप लोगों को पता ही है क्या शुरू करना है, द क्रेज़ी जो लेवल 16 डिफ़िकल्टी के साथ. भाई साहब लेवल 16 डिफ़िकल्टी एनेबल्ड भी हो चुकी है गाइस. लास्ट टाइम जो मैंने किया था वो था लेवल 14 था, अब लेवल 16 आने वाला है अपना. और भैंस की डंडी, ये हैं 7 लाख पे पहुंचे हुए हैं थिक एस थीव्स, कोई बात नहीं. और दूसरे हैं ऑपरेशन ग्लोबल. तो हम हैं डिज़ास्टर्स. अब डिज़ास्टर्स कहाँ पे फिनिश करेंगे आप लोगों को भी पता चल जाएगा. तो पहली जो है हमाम पे लेवल 1 के आने लगे हैं क्रेज़ी जो वाले, जो ये फौजी हैं, फौजी आके अब हम पे अटैक करने वाले हैं. तो भाई रीइन्फोर्समेंट देख लेना, हम रीइन्फोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन को. और मैं बीच में आप लोगों को ये भी दिखाने वाला हूँ कि अगर ऑनलाइन बंदों को भेजोगे तो उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा, आप लोगों को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे या कम मिलेंगे. तो ये हम पे आना शुरू हो गए हैं लेवल 1 के ट्रूप्स जो अटैक कर रहे हैं सिटीज़ पे. लेवल 17 के जो लेवल 7 और 14 और 17 के हैं वो डिफरेंट लोकेशन से आएंगे, इस लोकेशन से कभी भी नहीं आएंगे. तो अभी कुछ बंदे ऑफलाइन हैं, खैर ऑफलाइन को भी अगर कोई ना बन रहा हो सिस्टम तो उसको भी भेज दिया करो. लेकिन गाइस एक और टिप दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने कोशिश करना है कि जो लो प्लेयर्स हैं तुम्हारे अलाइंस के अंदर उसको आप लोगों ने रीइन्फोर्स करना है, कोशिश करनी है उसको रीइन्फोर्स करो और वो ऑनलाइन हो. गाइस बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं लो बंदों को रीइन्फोर्स करने से, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, आई रिपीट. और अपने सिटी के अंदर, सिटी में कोई इन्फेंट्री आपने नहीं रखना, वो आपको कोई पॉइंट नहीं देगा, बल्कि पॉइंट को डिवाइड कर देगा. इसलिए अपने इन्फेंट्रीज बिल्कुल नहीं रखने. आप लोगों ने अपने सिटी को खाली कर देना है इन्फेंट्रीज से. मार्क्समैन और लांसर रहते हैं तो कोई मसला नहीं है, उनकी खैर है, लेकिन इन्फेंट्री नहीं होने चाहिए. इन्फेंट्री ज़्यादा अगर होंगे, ज़्यादा क्या थोड़े से भी होंगे तो आपको पॉइंट कम मिलेंगे. तो ये डिफेंस है, आप जिससे रीइन्फोर्समेंट लोगे वो आपको इन्फेंट्री ही भेजेगा. अब जब वो इन्फेंट्री भेजेगा तो आप लोगों को डिफेंस मिल जाएगा. और गाइस टेंशन नहीं लेनी, एक दफ़ा अगर आपके सिटी को आग लग गई, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लो लेवल के हो तो दो दफ़ा आपको आग लग सकती है. तो अगर एक दफ़ा आग लग जाए ना तो दो दफ़ा तो काउंट होता है, इसके बाद आप पे मतलब शील्ड लगा लोगे
या आपका सिटी या वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाएगा। अगर आप क्या दो डिफेंड ना कर पाए, आग लग गई, तो फिर ये काम होगा। जब एक दफ़ा आग लग जाए ना, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जो इन्फोर्समेंट आपने बाहर भेजी हुई है ना, वो सारी आपने वापस अपने सिटी में मंगवा लेनी है। तो ये देख लो, आपको मैं साथ साथ पॉइंट्स भी दिखाता जा रहा हूँ गाइज। असल फटा है पॉइंट्स का, पॉइंट्स भी साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। जो जो आके रैली लग रही है, मार्च लग रही है मुझे, तो वो आपको मैं बैंडिट्स जो आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। जो बॉस हैं ये अभी लेवल 4 बैंडिट आ रहे हैं, और आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। मतलब ये देखो, जिसको मैंने रीइंफोर्स किया हुआ है, उसके 11,880 उसने डिफेंड किया है, लेकिन मुझे भी पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इन्फेंट्रीज को भेजा हुआ है। और ये देखो गाइज, 9,240 मेरे अपने सिटी की हैं। मेरे सिटी में इन्फेंट्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो ये चक्कर है। लेकिन गाइज, मेरे ना पॉइंट थोड़े कम रह गए हैं। आज मैं 1 मिलियन को टच कर सकता था, क्योंकि 1 मिलियन जो है वो मतलब मैंने लेवल जो 7 थे ना, बॉस आए उसमें, मैंने जो बैंडिट्स आए थे बॉस वाले, उसमें मैंने सिर्फ उन दो बंदों को रीइंफोर्स किया हुआ था जो ऑनलाइन थे, बाकी तीन को मैंने ऑफलाइन को मैंने रीइंफोर्स किया हुआ था। तो मुझे पॉइंट कम मिले हैं वहाँ पे। अगर वो भी ऑनलाइन मैं देख लेता, बाद में मेरी नज़र गई है, अगर मैं देख लेता तो भाई साहब, अपने आज के पॉइंट क्रेजी जो के बेस्ट क्रेजी जो होने वाला था 1 मिलियन तक। फिर भी इस क्रेजी जो में भी पॉइंट बहुत तगड़े हैं, टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा। अब ये पुल आउट पुल इन, पुल आउट पुल इन चल रहा है, मुझे भी रिइंफोर्स किए जा रहे हैं गाइस। ये आप लोग चेक कर रहे होंगे कि हमने 6-6 बंदों को भी मतलब तो एक बंदे को 6 दफ़ा भी रिइंफोर्स किया हुआ है, 6 बंदे बैठे हुए हैं उसके घर में। तो गाइस, इसका चक्कर ये है कि हम पे ज़्यादा बंदे ऑनलाइन ही बैठे हुए थे। अब ऑनलाइन होते तो हम रिइंफोर्स करते, अब जब ऑनलाइन नहीं है तो हमें फिर मजबूरन जो ऑनलाइन बैठे हुए थे उनमें फिर हमें 5 की जगह 6, 6 की जगह 7 7 बंदे भी रेनफोर्स किए हुए हैं एक घर के अंदर। बट यू विल हैव टू ट्राई टू गिव ओनली 3% स्पॉट पर फर्नास। ओके, ये अब लेवल 4 भी आके लग गई है। अब देखते हैं हमारे साथ साथ गाइस, पॉइंट्स आपने चेक करते रहना है और देखते रहना है कि किस किस घर पे अटैक हो गया है। अगर आपकी 5 मार्चिज हैं तो 5 आपको रिजल्ट आए होंगे, आप 5 के 5 देख लेने हैं, कौन ऑफलाइन है कौन ऑनलाइन है, ठीक है। अब अगर चक्कर ये है, अगर आप लोगों ने ऑफलाइन को भेजा हुआ, तो अगर लेवल 7 के बैंडिट्स जो आएंगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं, वो आप मिस कर दोगे। और वो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये दे रहे हैं 12 12 हज़ार, तो वो जब आएंगे वो देंगे 44 44 हज़ार, 44K। माई गॉड, और क्रेजी जो इज़ ऑल अबाउट डिफेंस एंड टू गेन द पॉइंट्स। इफ़ यू आर फ्री टू प्ले प्लेयर, यू हैव टू डू दिस टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ माइन। अब ये अभी तक बैंडिट आ रहे हैं, लेवल 6 के बैंडिट हैं आई गेस। सो अभी ये पीछे नहीं, लेवल 6 अब आ रहे हैं मेरे ख्याल में। तो गाइज, लेवल 7 इधर से आएंगे ही नहीं कभी भी, वो आएंगे बैक से। ये लेवल 7 नहीं है किसी सूरत भी, लेवल 7 नहीं हो सकते, लेवल 6 हैं, क्योंकि ये लेवल 6 बैंडिट्स इधर से ही आएंगे। बैंडिट वो है जो एक हाथ में एक पिस्तौल लेके आपकी तरफ आ रहा होगा, टिचम 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 टिचम। लेकिन जो बॉस होगा ना, वो तगड़ा होगा, उसके पास होगी एक सॉर्ड और पीछे उसके गाउन टाइप कुछ होगा, पर्दा लटक रहा होगा। क्या भाई, थत्थर होती है उसकी, उसकी क्या ही बात है, उसका कोई जोड़ नहीं होता गाइस। और गाइस, फिर से हमने वही अपनी स्ट्रेटजी रखनी है। अगर 15 बंदे अगर आपके पास ऑनलाइन हैं, तो वेव जो 10 है, 9 जैसे ही आपके घर को हिट करे बैंडिट्स लेवल 9 के, आप लोगों ने लेवल 10 की जो वेव आएगी वो जाएगी सिर्फ और सिर्फ एचक्यू पे। और एचक्यू पे जब जाएगी तो आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है कि किसकी मार्च कैपेसिटी ज़्यादा है, 15 बंदे एडजस्ट हो सकें, आपने काउंट कर लेना है और 15 बंदे भेज देते हैं एचक्यू के अंदर। और गाइज, ये अभी लेवल 7 बैंडिट हीरो आ रहे हैं, हीरो आ रहे हैं, बैंडिट नहीं है, बैंडिट हीरो है पर्दों वाले, वो आप दिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन वो यहाँ से नहीं आएंगे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, वो इधर से नहीं आने वाले, वो कहीं और से आने वाले हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ से आने वाले हैं। 59 सेकेंड पड़े हुए हैं अभी, 59 सेकेंड के बाद उन्होंने निकलना है, और निकल गया उन्होंने तबाही डाल देनी है पकड़ के। वो देते हैं असल डैमेज, असल डैमेज ही वही होता है, वो वाला डैमेज जो आएगा ना अभी। एक एक घर का दिखाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 ऑनलाइन बंदों को भेजा हुआ था, तो मेरे 3 जो थी वेव्स वो मेरी फारिग गई हैं। मतलब 3 मुझे रिइंफोर्समेंट से कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल फजूल काम रह गया। तो आ जा जल्दी से, 30 सेकेंड रह गए हैं अपने
जो है बैंडिट हीरो के आने के, और जैसे ही वो आएगा तो आप लोग पॉइंट देख लेना मुझे कितने पॉइंट मिलने वाले हैं और कितने पॉइंट नहीं मिलने वाले। गाइस कमेंट करके बताना आपका बेस्ट कितना है क्रेजी जो के अंदर, और आप लोग कैसे पॉइंट ले रहे हो। अगर मेरी वीडियो को आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो आप किस तरह पॉइंट कमा रहे थे पहले, अब आपने देख लिया तो अब आपके भी अच्छे पॉइंट्स आ रहे होंगे। मुझे 110% यकीन है कि आप लोग भी चिल माहौल में हो। ये गाइस जो मैं आपको दिखा रहा था वहां से नहीं आए, बैंडिट हीरो आते ही अलग है, और ये है उनकी लुक भाई साहब, ये बैंडिट हीरो कमाल है। अब इनके डैमेज चेक करना, ये इकट्ठे सब सिटीज पे अटैक करते हैं जो ऑनलाइन होंगे। लास्ट टाइम 19,800 पॉइंट हमें दिए हैं बैंडिट 8 6 ने, जो बैंडिट 7 है देखना हमने उसको है। अब बैंडिट 7 जो रिजल्ट देगा हमें वो भी आप देखना। ये अगर 19K था तो उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कितना है। लेकिन गाइज आप लोगों ने घबराना नहीं है कि ये इतने इतने रीइन्फोर्समेंट क्यों भेजी हुई है। गाइज ऑनलाइन बंदे काम थे इसलिए ज़्यादा घड़दाल मच गया है, हमने उनको रीइन्फोर्स करना पड़ गया मजबूरन। मजबूरी, ये सारा काम मजबूरी से हुआ है, मजबूरी ना होती तो हमने कभी भी एक बंदे को 4 या 5 से ज़्यादा रीइन्फोर्स नहीं करना था। 4 बंदे एक सिटी के अंदर मोर देन इनफ है। अक्सर बंदों को क्रेजी जो लगता है बोरिंग, हमें भी लगता था क्रेजी जो एक बोरिंग इवेंट है, लेकिन इसमें जब से अपडेट आई है इन्होंने न्यू चीज़ें ऐड कर दी हैं। मतलब आपको डिज़ाइन प्लान मिल रहे हैं जो बहुत रेयर हैं, बहुत कम इवेंट्स में बहुत थोड़े थोड़े करके देते हैं। चीफ गियर को अपग्रेड करने के लिए वो यूज़ होते हैं। तो गाइज आप लोगों ने कोशिश करना है, जब से ये डिज़ाइन प्लान आए हैं हर किसी का मतलब यही होता है कि हम जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएं। फ्री टू प्ले प्लेयर वालों की ना ख्वाहिश ये होती है कि हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि हम आराम से पे टू विन वालों को थोड़ी बहुत तो टक्कर दे सके, ज़्यादा नहीं कम से कम थोड़ी तो चल सके ना अपनी टक्कर। ये कोई बात ना हुई कि पे टू विन वाला आए आके पेल के निकल जाए और हम बैठे देख रहे हैं फ्री प्ले वाले। गाइस लेवल 7 के देख लो मेरी जो आई हैं 44K। देखो जो ऑनलाइन था उसको हमने रीइन्फोर्स किया, जब ये हीरो आते हैं तब ये तगड़े पॉइंट देके जाते हैं। अब 19K और 44K में कितना फ़र्क है, बिग डिफरेंस। और ये डिफरेंस एंड पे काउंट होता है जब आपके टोटल पॉइंट्स बनते हैं। अब टोटल पॉइंट्स तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को अगर रिवार्ड चाहिए, डिज़ाइन प्लान चाहिए, या कोई भी चीफ गियर चार्म्स चाहिए, चीफ गियर मटेरियल कोई भी है, उसके लिए आप लोगों को फिलहाल तो चीफ गियर जो मटेरियल है वो ही है। इधर लेवल 9 की वेव हम पे आ रही है, इसकी टेंशन नहीं है। और 163K हमारा हो चुका है गाइस, 163K लेवल 9 की वेव पे मेरा आ रहा है। आप लोगों ने रिजल्ट चेक करना है कि रिजल्ट क्या होता है। अगली 11 वेव्स हैं, और अगली 11 वेव्स में क्या होने वाला है गाइज मैं आपको समझा देता हूँ। अब मुझे पता चल गया था कि मेरे जिस बंदे को मैंने रिइंफोर्स किया हुआ है, जब वेव 14 आनी है या वेव 17 आनी है, तो वो बंदा ऑफलाइन हुआ तो मुझे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो गाइज आप लोग देखना, मैं उस बंदे को भेजूंगा, मैं चेक करूंगा पहले अलाइंस के अंदर कौन कौन ऑन है और कौन कौन ऑफ है। अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो मैं पुल कर लूंगा अपने रिइंफोर्समेंट को और उसको भेज दूंगा जो ऑनलाइन होगा। क्योंकि गाइज अगर 44K मिले हैं जिसने रेनफोर्स किया हुआ था, उसको भी कम अज़ कम 2K, 3K, 4K या 5K तक पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब ज़ीरो लेने से बेहतर है कि 5K मोर देन इनफ है रेनफोर्स करने से। और अगर यही बंदे भी कम हों और अगर वो लो लेवल का बंदा हो तो आपके पॉइंट्स बहुत ऊपर जा सकते हैं गाइज। क्रेजी जो था एक बोरिंग इवेंट, बट नो मोर, अब ये बोरिंग नहीं रहा। अब जब से इन्होंने अपडेट दी है तो इन्होंने बहुत ही तगड़ा वाला सीन कर दिया है, और हर किसी को मौका मिलता है अब मतलब खुद को अपग्रेड करने का, क्योंकि ये पॉपुलर हो गई है गेम काफ़ी सारी। और जब ये गेम पॉपुलर हो गई है तो आवाम चाहती है कि फ्री टू प्ले हो, और हम फ्री टू प्ले में ही ऊपर जाएं, पे ना ही करना पड़े, क्योंकि पे में कोई चार्म नहीं रहता, पे में कोई चार्म नहीं रहता, और चार्म ना हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप लोग एक चीज़ समझ लो, अगर आप लोग पे करोगे ना तो वक्ती खुशी मिल जाएगी आपको कि हाँ बस ठीक है यार मैंने पे कर लिया, मैं स्ट्रोंग हो गया, मैं ये मैं वो, बट उसका फ़ायदा नहीं है। गेम का फ़ायदा तब होता है जब आप लोग अपने इवेंट्स खेलो,
मेहनत करो, स्ट्रगल करो और ख़ुद को स्ट्रोंग करो, फिर जाके माहौल बनता है। ऐसे कोई माहौल नहीं बनना, ऐसे आप लोग रिपीट कर भी लोगे तो क्या फ़ायदा? फ्री टू प्ले वाले कमज़ोर होंगे, उनको मारने का क्या फ़ायदा मिलेगा? आप बड़े स्ट्रोंग होकर बैठे रहोगे, अनकरीब आप इससे बोर हो जाओगे। मज़ा तब आता है पे टू विन का, जब आप लोग फ्री टू प्ले वाले भी आपके साथ बैठे हों और आपकी सपोर्ट में हों। वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप जितना मर्जी पे करते जाओ कर लो। गेम का चार्म होता है बंदा जब चैलेंजेस लेता है। अब चैलेंजेस के लिए आप लोगों को फ्री टू प्ले खेलना पड़ेगा, क्योंकि गाइस देखो, मैंने रीइंफोर्स किया हुआ था ऑफलाइंस को, अब मैं उसको पुल करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है वेव 14 जब आनी है तब मुझे तगड़े पॉइंट्स चाहिए। और वेव 9 पे मैंने आपके सामने 80K ट्रूप्स भेजे थे, 80K ट्रूप्स जब HQ गए हैं तो अच्छे खासे पॉइंट, मतलब अच्छे खासे ना भी सही, 22,000 मुझे मिले हैं। इसमें तगड़े भी मिल सकते हैं अगर आप लोगों की मार्च कैपेसिटी ज़्यादा है ना, और आपके T11 है तो आपको तो ढेर सारे पॉइंट मिलेंगे। और मोस्टली जो मेरे व्यूवर्स हैं उसमें T9 वाले हैं और T10 वाले हो सकते हैं। अब T9 वाले तो नहीं ना, मतलब इतने पॉइंट ले सकते, लेकिन अगर T9 वाले हैं तो उधर लो बंदे भी होंगे, तो लो को भाई साहब करी जाओ रीइंफोर्स और पॉइंट लेते जाओ। अब मैं भेज रहा हूँ ऑनलाइन बंदों को, अब ऑनलाइन बंदे मैंने देख लिए हैं कौन कौन है। अब जब वेव 14 आएगी तब आप देखना मेरे पॉइंट्स। और आप लोगों को याद है गाइस, जब वेव 7 गुजरी है और वेव 9 तक हम गए थे तो 163K थे, मतलब 1,63,000 अपने पॉइंट थे। हम कहाँ पे फिनिश करेंगे आप लोग अंदाज़ा कर लो, अगली 11 मार्चिज में हमारा क्या हाल होने वाला है आपको अभी पता चल जाएगा। वेव 14 का वेट करते हैं और वेव 14 में ही हमें सब कुछ मिलेगा, मतलब सब कुछ से मुराद है कि बैंडिट हीरो आएंगे, ओनली बैंडिट। बैंडिट इतना नहीं डैमेज करते, और बैंडिट तो ऑफलाइन को भी अटैक कर देते हैं, लेकिन जो है दूसरे बैंडिट हीरो वो सिर्फ ऑनलाइन पे आते हैं और वो तगड़े पॉइंट्स देके जाते हैं। अभी 44K आया तो ये 80K तक भी जाता है, 90K तक भी जाता है। अब जो जो ऑफलाइन थे उनसे मैं अपने जो हैं ट्रूप्स पुल किए जा रहा हूँ, पुल आउट कर रहा हूँ, हमें नहीं चाहिए वो। अब ये लेवल 14, ये लेवल 10 HQ पे अटैक हो रहा है गाइस, और जैसे HQ पे अटैक हो रहा था मैंने देखा कि यार मैं अपने ऑनलाइन बंदों को रिइंफोर्स कर देता हूँ, क्योंकि अभी देर थी, अभी देर थी, अभी उस वेव 10 ने HQ पे हिट करना है। वेव 10 कभी भी आपकी सिटी को हिट नहीं कर सकती, एक डेकोरम है इनका भी कि वेव 10 हमेशा, वेव 10 और 20, ये एक चीज़ बात नोट कर लो, वेव 10 और वेव 20 सिर्फ और सिर्फ HQ पे जाएगी, आप पे नहीं आएगी सिटी पे। तो आपने बेगम हो के आप किसी भी एक बंदे से ट्रूप्स को पुल कर लेना है, पुल आउट कर लेना है और HQ पे भेज देना है। हाँ गाइस, एक रूल बना लेना, जो बंदा वेव 9 से पहले HQ में गया उसको किक कर देना है HQ से, और ये R4 और R5 भी कर सकते हैं, उसको HQ से किक कर देना इजीली, ताकि उसको याद रहे कि भाई कंपटीशन सबके लिए बराबर है, 15 बंदे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि तुम पहले ही अपने भेज दो ट्रूप्स और बाकी बाद में है और तुम पॉइंट्स ले लो, ऐसे नहीं हो सकता गाइस। वेव 10 ने जैसे ही टच किया हमने अपने ट्रूप्स पुल आउट कर लिए HQ से, और गाइस जैसे ही वेव 10 आपके उसको हिट कर देना HQ को, आपने सबको किक कर देना उसमें से, ताकि कोई बैठा ना रहे, क्योंकि वेव 20 में सारों के लिए दोबारा से काम बने, सारे दोबारा से ही रेनफोर्स करें HQ को, और फिर जाके अपना मतलब एक फेयर कंपटीशन होगा। और गाइस आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो मैंने वेव 10 पे डायमंड चूज़ किए हैं मार्च स्पीड करने के लिए। तो गाइज मैंने इसलिए किया था, 400 डायमंड्स लगते हैं, मेरे पे डायमंड्स अच्छे खासे हैं, तो मैंने मतलब ये इसलिए करता हूँ कि मैं HQ से बाहर रह जाऊँ, ताकि मैं जितने ज़्यादा पॉइंट्स ग्रैब कर सकूँ वो मुझे मिल जाएँ, क्योंकि फ्री टू प्ले में ईच एंड एवरीथिंग मैटर करती है, ख़ास तौर पे पॉइंट्स। और इधर तो भाई पॉइंट का वैसे ही रोला बहुत ज़्यादा रहता है। लेवल 10 हमने जब HQ पे आया, अब चलते हैं अपने लेवल 11 बैंडिट्स आ रहे हैं। तो अब जिस जिस बंदे पे मेरी ये है गए हुए हैं रीइंफोर्स किया हुआ है, वो ऑनलाइन तो हैं लेकिन उनमें ज़्यादा रीइंफोर्समेंट भी है। असल मसला अब ये है, अब पॉइंट्स होंगे डिवाइड, पॉइंट्स मुझे मिलेंगे थोड़े कम, लेकिन वो ऑनलाइन है, जैसे ही बैंडिट हीरो आएंगे तब आपको पॉइंट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे।
बैंडिट हीरो के, ये रिपोर्ट देख लें आप, 4301, अब इस पे 2536, इस पे 1606, तो ये बहुत कम पॉइंट्स है, और 4000, और हर बंदे पे तीन चार पांच रिइंफोर्समेंट पड़ी हुई हैं, तो ये एक थोड़ा सा मसला है अगर ऑनलाइन को भेजा जाए। फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड की, अगले करेंसी जो में हम वो अप्लाई करेंगे ऑफलाइन को भेज ही रखेंगे, ठीक है। जैसे ही वेव 14, वेव 7 और वेव 9 17, 7, 14 और 17 जो मैंने आपको बताया हुआ है, वो जब वो होते हैं बैंडिट हीरो वाले, वो सिर्फ ऑनलाइन पे जाती है, तो जैसे ही वो आएगी तो हम ट्रूप्स को पुल आउट करके भेज देंगे अपने जो ऑनलाइन बंदे हैं उनको। उससे पहले हम अपने जो ऑफलाइन भाई हैं उन पे भी भेज सकते हैं, मतलब रह जाए उन पे भी रेनफोर्समेंट, कोई मसला नहीं है, उस पे पॉइंट मिलते रहते हैं, तो ये इजी पीजी चीजी माहौल होने वाला है। ये अभी बैंडिट 11 आए हैं हिट करने के लिए, फिर 12 13 और 14 वाला सीन हैवी होने वाला है, 14 में जो पॉइंट मिलने वाले हैं गाइस। और गाइस इसमें एक और चक्कर है, एक तो आपको रिवार्ड्स इधर इधर ही मिल रहे हैं, पहले मिलते थे टोकन्स, अब उन टोकन्स का क्या फ़ायदा है, उस टोकन का फ़ायदा ये है आप अपनी अलायंस शॉप में से स्पीड अप्स परचेज कर सकते हो, एक्सपी परचेज कर सकते हो और टिकट्स परचेज कर सकते हो। टिकट्स वो हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पास, वो हर वीकेंड पे, हर वीक में एक दफ़ा आप ले सकते हो और एक ही ले सकते हो, मतलब अगर आपने अपनी स्टेट ट्रांसफ़र करनी है तो आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए कितने पासिस लगेंगे, वो पासिस आपको अलायंस शॉप से मिलेंगे, और अलायंस शॉप के पॉइंट्स हैं वो एक तो बेयर हंटिंग में भी मिलते हैं, हेल्प करने से भी मिलते हैं, जो कैपेसिटी होती है 40 बंदों की हेल्प करने की। और गाइस जो सीन है क्रेजी जो का, इसमें भी तगड़े पॉइंट्स मिलते हैं, तो इस वजह से भी क्रेजी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मिस मत करना मत करना। अब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि फ्री टू प्ले में ईच एंड एवरी इवेंट मैटर करता है। बेयर हंटिंग में हमारा मार्क्समैन ज़्यादा होंगे, 8 18 18 और 64, जो मैं आपको बताता होता हूँ कि आपकी मार्च की जो फॉर्मेशन है ये होनी चाहिए, और हीरोज़ आपको पता ही है जो मैं यूज़ करता हूँ, रिलीज में क्या भेजने हैं और अपनी रिली में क्या भेजना है, ये चीज़ें मैटर करती हैं बेयर हंटिंग में। और क्रेजी जो में वो डिफेंस है, अब हर ट्रूप की अहमियत बढ़ाई हुई है इन्होंने, मतलब बेयर हंटिंग में इन्होंने बढ़ाया हुआ है मार्क्समैन को, और वैसे ही उल्ट कर दिया कि क्रेजी जो में मार्क्समैन को डेड कर दिया पकड़ के। तो गाइज ये वाले पॉइंट्स हमारे आ गए हैं 38,280, 38,000, और ये लेवल 13 बैंडित की है, 38,000। तो आप अंदाज़ा करो जो 14 है उसमें क्या होने वाला है, उसमें क्या होने वाला है, आप भाई साहब आप खुद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाने वाली हैं कि लेवल 14 की जो वेव आ रही है बैंडित बॉस, वो वाला जो आपको मज़ा आने वाला है ना गाइस, 6 सेकंड के बाद आ रहा है, और हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं 4,18,000, 4,18,000 भाई साहब, 418K हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं, अभी लेवल 13 तक आए थे हम, मतलब 300K हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं लेवल 9 से लेवल 13 के दरमियान। अब ये लेवल 14 आया है, लेवल 14 जाएगी सिर्फ ऑनलाइन प्लेयर्स पे, अब ऑनलाइन प्लेयर्स पे जाएगी तो ऑनलाइन बंदों को रिइंफोर्स करोगे तो आपको पॉइंट मिलेंगे, नहीं तो आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे, जैसे कि मुझे वेव 7 पे कख नहीं मिला 3 मार्चिस में, 2 मार्चिस को मैंने भेजा हुआ था, वो तो चलो ठीक है ठीक ठाक मुझे दे गए हैं पॉइंट्स, लेकिन 3 मार्चिस वो खाली गई हैं अपनी। अब जब वो खाली गई हैं तो ईजी माहौल तो नहीं रहा मेरे लिए, वो 3 मार्चिस ने मुझे कॉस्ट किया, मैं 1 मिलियन तो टच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ और तो कर ही पाएंगे। तो गाइज जो बंदे ऑनलाइन हैं वहाँ पे मैं अपनी बना रहा हूँ स्ट्रेटजी कि मैंने उनको भेजने हैं ट्रूप, अब ये हीरो आ रहे हैं तो मैंने अपने से आगे बैठे वाइट आउट गर्ल को मैंने रिइंफोर्स कर दिया है। अब ये मैटर नहीं करता, ऑनलाइन पे अगर आप बैठे हैं आपको ठीक ठाक पॉइंट मिलेंगे, मुझे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उससे भी मुझे अच्छे खासे पॉइंट मिलेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखो रिजल्ट सारे दिखाऊंगा, ऑनलाइन खेल रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आपको शो करूंगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि यार ये क्या बात हुई, ये सिर्फ बता रहा है कुछ करता नहीं है कुछ दिखाता नहीं, भाई ईच एंड एवरीथिंग दिखाऊंगा,
गेम से रिलेटेड, और कुछ ना समझ लेना। अब ये हीरो हम पे अटैक करके जा रहे हैं घर को, टाटा बाय बाय, टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई मैंने अपने आपको बोला था कि मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, 5 के 5 मेरे ब्लिंक कर रहे हैं। अब देखो 81,480 और मुझे 10,000। अब 81 सबको मिला हुआ, लेकिन किसी में मुझे 7 मिला, किसी में 10, किसी में 6, और जो मुझे हैं मेरे भी 81,840। ये बैंडिट हीरो वेव 14 का रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। अब अगर एक बंदे को इतने तगड़े पॉइंट्स दे के जा रही है वेव 14, तो आप अंदाज़ा कर लो जिस चीज़ को आपने रिन्फोर्स किया। आप काउंट कर लेते हैं, मेरे पास 5 मार्चेज हैं। 1 मार्च में मेरे 87,200 इन्फेंट्रीज हैं, ठीक है। अब मैंने रिन्फोर्स किया, जब एक बंदे को 81,800 पॉइंट्स मिल गए हैं, तो आप लोगों को कितने मिलेंगे? अब काउंट कर लेते हैं। मुझे 1 मार्च में, लेट्स सपोज किसी में 10 मिला, किसी में 5, हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज में निकाल लेते हैं 9,000 या 8,000 कर लेते हैं। अब 8 5 40, 81,000 वो और 40,000 वो, मतलब 1,20,000 पॉइंट हमें ऐसे ही मिल रहे हैं वेव 14 में। ऐसा ही वेव 7 में करना है, ऐसा ही वेव 17 में हमने करना है। और गाइज हमारे 541K पॉइंट्स हो चुके हैं गाइज, और हमारा रैंक आ गया है 21 पे, पूरी स्टेट में, ये पूरी स्टेट में। और एज अलाइंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एज अलाइंस हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं गाइज। रिकॉर्ड सारे टूटने हैं, सारे रिकॉर्ड टूटने हैं, क्योंकि ये लेवल 16 डिफिकल्टी लेवल हमने इनेबल किया हुआ है। अब लेवल 17 बैंडेड हीरो आ रही है गाइज, तो इसमें भी आपको मैं दिखा देता हूँ भाई साहब जो सीन होने वाला है ना। अब जो ऑन मैं कुछ कर नहीं रहा, अब मैंने तो ऑनलाइन बंदों को रिन्फोर्स किया हुआ है, और जब उनको रिन्फोर्स किया तो मुझे टेंशन नहीं है कि कौन ऑन है कौन ऑफ है, क्योंकि इसने जाना ही, जो रैली आनी है लेवल 17 की, वो ऑनलाइन बंदों पर जानी है। और जब उन पर जानी है तो हमें अच्छे खासे पॉइंट वैसे ही मिल जाने हैं, वो भी हम काउंट कर लेंगे। हमारे ऑलमोस्ट 600K हो चुके हैं। अब लेवल 17 हमारी आने वाली है, आई नहीं है, ये लेवल 16 तक हमारा सीन चल रहा है। 1 मिनट और 42 सेकंड के बाद हमारी लेवल 17 की वेव आ रही है। जैसा कि 14 में हमें अच्छे खासे पॉइंट मिले थे, कितने मिले थे गाइज? 81,200 या 800, इतने ही थे। मतलब आप 81K कर लो, ऊपर वाले मुझे याद नहीं है, जो 100 में थे तो वो हम याद रखते भी नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखने वाली नहीं होती, हमने रखना है बड़े बड़े पॉइंट्स को। तो 6 लाख तो हमारे हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। अब हमने मार्जिन तो हमारा यही था, मैंने सोचा था कि अगर लेवल 16 अनेबल हुआ है डिफ़िकल्टी लेवल, तो हमारा 1 मिलियन तो आराम से हो जाएगा। लेकिन गाइस कुछ हो ही सकता है, मसले हो जाते हैं, जो मुझे लेवल 7 में हुए थे वेव में, वो मुझे अभी तक काउंट कर रहे हैं, मतलब मुझे अभी तक वो हॉन्ट कर रहे हैं। मैं क्या करूं उधर वो। अब देखो जो चीज़ हाथ से निकल गई वो हमारे बस की नहीं है, लेकिन जो आ रही है वो तो बस की है ना। तो गाइज ये देख लो, हमें डिज़ाइन प्लान मिलना शुरू हो गए हैं। 667K हमारे पॉइंट हो चुके हैं, और 44.3 मिलियन एज एन अलाइंस हमारे हो चुके हैं, और स्टेट में हम नंबर 1 ऑलरेडी हो चुके हैं गाइज। तो टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, आप लोगों को बस फॉलो करते जाना। और गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। इट विल मेक माई डे, प्लीज़ मेक माई डे, इतनी मेहनत होती है गाइज। ये देखो हमने अपने HQ पे लिखा हुआ है 80 और 83K, मतलब 80,000 से ज़्यादा ट्रूप्स किसी के ना आए, क्योंकि हमने उसको तकसीम किया हुआ है मतलब 15 पे 15 बंदे आराम से जो आ सके, जिसने ज़्यादा कैपेसिटी मतलब ट्रूप्स की रैली भेजी, मार्च भेजी, उसको हम किक मार देंगे। इसलिए सोच समझ के हम तो भेज ही रहे हैं, सोच समझ के आप लोगों ने भी कोशिश करना है कि सोच समझ के भेजना है, ताकि आप लोग कितना गाइज रूल बना लिया करो। ऐसे ऐसे फ़ायदा नहीं होता कि आप लोग बस बैठे खेली जा रहे हो, खेली जा रहे हो, नहीं यार, रूल होने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो चीज़ होती है ना, उसका मुकाबला ही कोई नहीं होता। अब रूल्स होंगे तो सारे फॉलो करेंगे। हाँ ये है, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा सख्त होना पड़ जाता है कि भाई अगर किसी ने रूल फॉलो नहीं किया उसको डिमोट कर दो, अगर वो R4 है उसको R3 पे ले जाओ। अगर R4 वाला है तो वो तो समझ ही जाएगा, अगर R3 पे उसे R2 पे डिमोट कर दो, R1 पे कर दो, फिर भी ना समझे, फिर उसको केकी मार दो अलाइंस से, फिर वो समझ जाएगा यार ये मैंने गलत किया, मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मुझे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे वो किक मार देंगे। तो गाइज अपनी लेवल 17 की वेव आ रही है, तो गाइज बताना कमेंट करके कि
कि आप लोगों ने कितना एक्सपेक्ट किया था कि ये कितने पॉइंट देगी। अगर 81 के तो लेवल 14 ने हमें दिया था, ये वाला देखना पड़ेगा ये हमें कितना देता है गाइस। क्या हमें 88 के से ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है आपने एक्सपेक्ट क्या किया था, और आपको कितने, किसी को पता था पहले कि ये 7, 14 और 17 वेव ज़्यादा हमें पॉइंट्स देती है? तो भाई साहब, वेव 17 के बॉसेस ने पकड़ के मार दिया हीरोज ने। अब देखते हैं भाई, डैमेज डैमेज मैटर करेगा। अब गाइस, हमारा डैमेज है 97K 680, और 11,000 मुझे एक पे मिला है। 11,000 के 97 तो मुझे अपना भी मिला है, किसी पे 8,000, किसी पे 11,000, किसी पे 9,000। तो ये भी आप लोग देख लो, तसल्ली कर लो कि इसको भी हम 5 पे कर देते हैं, मल्टीप्लाई 9,000 रख लेते हैं एवरेज। और गाइस, 9 ضرب 5 हमारा हो गया है 45K फ्री का, और 97 वहाँ पे, मतलब 135K, 135K हमें मिल चुका है भाई फ्री का। फ्री का मतलब फ्री यही है कि ऑनलाइन को आप लोगों ने भेजा होगा, वैसे नहीं, वैसे फ्री से कुछ भी नहीं होता। ये वाइट और सर्वाइवल में फ्री में तो कोई, मैं कहता हूँ कोई पागल या कोई चीज़ देगा। तो गाइस, हमारी लेवल 18 की हमारी वेव आ रही है। अब लेवल 18 की वेव जो आ रही है, इसने भी हम पॉइंट देने हैं। लेवल 19 और उसके बाद हमारा लेवल 20 है, जो कि HQ की हमारी वेव होने वाली है। तो होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी तक मैंने क्रेजी जो को कभी इतना डीपली डिस्क्राइब नहीं किया था, और नेक्स्ट मैं करूंगा भी नहीं। ये वीडियो मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जो मेरी वीडियो को देखते रहते हैं, उनके लिए ये मैं लेके आया हूँ, जो मेरे इंडिया के भाई हैं, मेरे पाकिस्तान के भाई हैं, और जो हिंदी को समझ सकते हैं। बाकी जो अंग्रेज़ भाई हैं, उनके लिए सब टाइटल्स लगा देता हूँ जाके, उनके लिए बस यही हो सकता है, और मैं कुछ कर नहीं सकता। अब मोस्टली ये है कि अंग्रेज़ों को तो सिखा देते हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी भाई या इंडियन भाई उसको कोई बता के राजी नहीं है। तो हम हैं ना, आपका भाई है, बताएगा ईच एंड एवरीथिंग, बताएगा जो पता है, जो हाउनो मुझे है वो आप लोगों को भी होगी, क्योंकि मैं फ्री टू प्ले हूँ और आप भी मेरे फ्री टू प्ले भाई ही हो। और ताहर हुसैन मेरा ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, भाई अगर तुम देख रहे हो तो कमेंट लाजमी करना कि आपने मेरी ये वीडियो देखी है, और आपको कुछ समझ आया हो तो फिर मतलब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करवा देना साथ ही, क्योंकि सपोर्ट चाहिए यार आप लोगों की, इतनी मेहनत होती है यार। ये आप अंदाज़ा कर लो, 40-40 मिनट का एक, मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर उसकी एडिटिंग में और वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसका रिवार्ड भी तो मिलना चाहिए ना। और रिवार्ड मेरी आप पब्लिक को, अगर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है तो मेरे लिए बहुत है, बस शेयर कर देना ताकि सब भाई इस वीडियो से इंजॉय कर सकें, और वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें। यार स्ट्रॉन्ग कौन कहता है कि स्ट्रॉन्ग, कौन कहता है कि स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए? कौन कहता है कि यार हमने स्ट्रॉन्ग नहीं रहना? सारे कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए गाइस। स्ट्रॉन्ग होना है तो भाई स्ट्रॉन्ग हो के रहेंगे, इनकी भैंस की डंडी है। वेव 20 हमारी आ गई है, और वो हम, आपको पता है कि हम HQ को ही भेजेंगे, और HQ पे हम ज़रा थोड़े से अपने स्पीड अप्स यूज़ किए हैं। स्पीड अप से मुराद है हमने 400 अपने डायमंड्स की कुर्बानी दी है ताकि हम HQ में जा सकें, और बाकी जो जो अब किसी वेव में आना नहीं है, तो बाकी जो आप, जिसको आपने रिइंफोर्स किया हुआ है उसको आप रिकॉल कर सकते हो, रिकॉल। तो गाइस, एक मजे की चीज़ बताऊँ आपको, 954K, मतलब 954K हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं, टॉप 17 में हैं आप अभी। लेकिन गाइस, एक और मजे की चीज़ बताता हूँ, एक हमारा बंदा बैठा हुआ था बहुत दूर, अलाइंस जहाँ हमारी बैठी हुई है यहाँ से वो बहुत ही ज़्यादा दूर था। अब जो वेव 20 है उसका रिजल्ट भी आपको दिखा देता हूँ जाके, वेव 20 जो HQ में हम हैं, अब वो आपको मज़ा आने वाला है कि क्या हमारा बनता है। लेकिन अभी उसको देर है, अभी उसको अटैक करना है क्योंकि ये अभी काउंटडाउन चल रहा है। तो खैर, मेरे 600 ट्रूप्स, मतलब 800 ट्रूप्स मेरे इंजर्ड हुए हैं, तो हम हेल्प के लिए कह देते हैं, इतने बंदे ऑनलाइन हैं, मुझे लगता है कि मुझे वेट करना पड़ेगा इतना ज़्यादा। ये मुझे हील कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, भाई ऑन है तो वो हील कर ही देंगे। तो आ जाएगा, लिखा आ जाएगा कि कितने ट्रूप्स हमारे हो चुके हैं, जो हैं हमारे हील अप हो चुके हैं। तो गाइज, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं,
कि हमारे HQ में तो हमने भेज दिया था ट्रूप्स को और सारा कुछ हमारा हो गया था। अब वेव 20 ने आके हिट करना है, 10 सेकंड के बाद वेव जो 20 है उसके हीरो ने आना है, हीरो ने आके सिर्फ HQ को हिट करना है। लेकिन गाइस आप लोगों को मैं सरप्राइज देता हूँ एक, कि हमारा एक बंदा जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत दूर बैठा हुआ है, अब हमने जो करना है उसके साथ, मतलब अभी वेव 18 और 19 ने जाके उसको हिट करना है। तो ये 1 मिनट और कुछ सेकंड, मतलब कुछ सेकंड के लिए के बाद हमें वेव 20 आके हिट करेगी HQ पे। तो मैंने देखा एक बंदा बहुत स्पीड में जा रहा था, एक बंदे को उसने अटैक किया, पता नहीं क्या क्या, मुझे समझ नहीं। ये आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी जो नीचे की तरफ जा रही है, दूर जा रही है, उसको मैं आप ज़रा क्लियर करके भी दिखाता हूँ हम लोगों को। ज़्यादा टेंशन नहीं है, हमारे पॉइंट हो चुके हैं। जो डिज़ास्टर अलाइंस था हमारी 61 मिलियन, भाई साहब स्टेट में नंबर 1 पे हैं हम, 61 मिलियन पे। और भाई ये बंदे एक बूस्ट अप किया है इसने, मैंने कहा ये कहाँ पे जा रहा है, मैं थोड़ा ना कंफ्यूज हो गया। मैंने फिर चेक किया, मैंने कहा ये कहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैंने जब उसकी डेस्टिनेशन पे टच किया तो ये हमारा एक बंदा बैठा हुआ है जिस पे हमारे जो है बैंडित साहेब 18 और 19 ने आना है। मैंने कहा अच्छा ये चक्कर है। तो गाइस हमने भी बोला फिर लगे हाथ हम भी कर रहे हैं इसको रेनफोर्स, लेकिन मैंने गलती की, मैंने मार्क्समैन भी भेज दिए, वो भेजने नहीं थे, मैंने वो बोंगी मारी है। तो गाइस अब मुकाबला था स्पीड में जाने का, आपके भाई के पास देख लो, मैं थोड़े थोड़े करके जाए लगाता हूँ अपने डायमंड्स। 4,000 परचेज की है, बल्कि लिए अपने स्टोर में से, बैकपैक में से। अब करना है इसको हमने बूस्ट स्पीड अप। 12 मिनट लगने थे वैसे तो मेरी मार्च को, लेकिन अब 3 मिनट, 2 मिनट, अब स्पीड देख लो, 1 मिनट और पूरा 1 मिनट और 7 सेकंड बाद मेरे ट्रूप यहाँ पहुँच जाएंगे। अब स्पीड का मुकाबला था, वो भी स्पीड में आ रहा था और मैं भी, वो मुझसे पहले निकला हुआ था, और ये हमारे बैंडिट अभी रास्ते में पहुँचे हुए हैं। इसका टाइम भी देख लेते हैं, इस पर टच कर लेते हैं इसकी लाइन को। इसको है 1 मिनट 43 सेकेंड और 52 सेकेंड बाद मेरी वैसे ही मार्च पहुँचने वाली है। हमारा जो एक टीम मेट है, अलाइंस मेंबर है गोकू, उस पर वो पता नहीं अब ऑफलाइन है, पता नहीं क्या चक्कर है। ऑफलाइन ही है जाहिर सी बात है, इतनी दूर बैठा हुआ तो ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन तो वो है नहीं। और ये ऑफलाइन पे जा रहे हैं बैंडित, बैंडित तो ऑफलाइन पे जाते ही जाते हैं, बैंडित हीरो ऑफलाइन पे नहीं जाते हैं। आप लोगों ने देखना है कि बैंडित हीरो को आप लोगों ने ऑनलाइन पे ही, मतलब जो ऑनलाइन हो उस पर अपने टूल्स को रिइंफोर्स कर देना है, तो आप लोगों को अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। अब वेव 20, जो हमारी वेव 20 थी उसमें हमारे क्या हमें मिला है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये स्पीड चेक कर लो गाइज, ये मैंने बूस्ट अप किया हुआ है फुल टाइम और मेरा हाथी इतनी स्पीड से जा रहा है, ये तो बैंडिट को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और जो जिस बंदे ने पहले भेजे थे ट्रूप्स उसका भी मतलब पहुंच गई थी मार्च, उसने रिइंफोर्स कर दिया था। अब आ रहे हैं हमारे लेवल 18। तो गाइस इसका मतलब है अगर लेवल 18 आके लगेगा, उसके बाद लेवल 19 लगेगी वेव, तो एक्स्ट्रा पॉइंट है भाई। भाई ऐसा मतलब एक चीज़ मैंने देख ली है, एक घर को दूरी होना चाहिए, दूर नहीं काफ़ी दूर होना चाहिए, ताकि अगर वेव 20 भी गुजर जाए तो बंदा उसको रिइंफोर्स कर सके और एक्स्ट्रा पॉइंट ले सके। ये आप लोगों को मैंने एक सरप्राइज़ देना था, ये टिप है आप लोगों के लिए। आप लोगों एक बंदे को ऑफलाइन बंदे को कहीं मतलब ऐसा हो, अगर किसी गलती से ऑनलाइन आ जाए तो उसको कहना कि मतलब दूर बैठ जाए, क्योंकि उसने ऑफलाइन ही रहना होता है, तो आपको क्रेजी जो में इसका फ़ायदा मिल सकता है ईजिली उसको रिइंफोर्स करना। और जो जो ऑफलाइन जो रिलीज आएंगी, जब वेव्स आएंगी उसके आपको पॉइंट मिल जाएंगे। अब ये वेव 18 आ चुकी है, इसने हिट करना है गोकू को और हमने लेने हैं बस पॉइंट, बुल्ले लुटने हैं भाई, बुल्ले लुटने हैं और कुछ नहीं करना हमने। ये आई अपनी वेव 18। अब गाइस मैं परेशान हो गया कि पीछे अभी तक ये खाली क्यों नहीं हुआ। तो गाइस वेव 19 पीछे ही है, 50 सेकेंड के बाद, 50 सेकेंड के बाद भाई साहब अपना माहौल बनने वाला है तगड़े वाला। मतलब आप लोग ये चीज़ देखो कि तगड़े वाला माहौल बनेगा तभी तो मज़ा आएगा ना, ऐसे मज़ा नहीं आने वाला गाइस। हमें जो वेव 20 पे थे मुझे मिले हैं 30K, 30K पॉइंट्स मुझे मिले हैं। लेकिन गाइस आप लोगों को मैं एक चीज़ समझा दूं फिर से, कि भाई साहब आप लोगों ने भी बस यही करना है, आप लोगों ने मेरी ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो करना है। और गाइस आपका भाई 99.1, मतलब 991 के पॉइंट हो चुके हैं। अभी लेवल 19 बैंडिट ने आके हिट करना है। अब जब लेवल 19 ने हिट करना है तो हमारे और पॉइंट होंगे, 2,000 भी बढ़ जाए यार काफ़ी है, 90
मैं तो कह रहा था कि यार मेरा 1 मिलियन हो जाए, लेकिन अब गाइस वही बात आ गई, लेवल 7 की जो मैंने एक गलती की है वो मुझे भुगतनी पड़ेगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले गेम प्ले में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गेमिंग फन जोन, आपके अपने भाई का वर स्टाइल चैनल है यार, प्लीज़ यार प्लीज़ कम ऑन, इसको फॉलो कर दो, शेयर कर दो, सब दोस्तों को बता दो कि वाइट आर सर्वाइवल में हिंदी में उर्दू में बताने वाला बंदा आ चुका है जो आपको बताएगा समझाएगा और आप लोगों को फ्री टू प्ले का किंग बना देगा। गाइज पूरी स्टेटमेंट 14 नंबर पे हम आ चुके हैं, तो इस खुशी में शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। अल्लाह हाफिज़।